हेलो फ्रेंड्स, आज होगा आज की क्लास में इम्पोर्टेंट जो कि जनरल चैप्टर से 25 इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन NTPC ग्रुप डी और जनरल सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर PDF मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो प्रश्न है, गर्भाशय डैश के माध्यम से योनि से खुलता है, किससे खुलता है, योनि से खुलता है। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा गर्भाशय के ग्रीवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें मांसपेशी के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गर्भाशय इसका आंसर हो। 3 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में निषेचन कहाँ में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिलिपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न है, मादा को रोगाणु कोशिका या अंडे किसमें निर्मित होता है। तो अंडाशय एवं ओवरी में निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 5 नंबर प्रश्न है, ग्रेफियन पुटक या फोलिकल की गुहिका को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, कोटक या एंट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर प्रश्न, भ्रूण के लिए भोजन से संग्रहित करने वाली जनन कोशिका को डैश कहा जाता है या क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मादा युग्मक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है, डैश के द्वारा शुक्राणु वृषण से किसके द्वारा बाहर आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है, इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है, जो नर का नहीं है। तो एक ही वो है गर्भाशय ग्रीवा नहीं है, पुरुष ग्रंथि है किया है, अंडकोश थैली है किया है, वृषण है किया है। तो तीन नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 9 नंबर प्रश्न है, शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है जिसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मूत्र मार्ग। प्रश्न है 10 नंबर, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बीजवाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट, शुक्रवाहिका नहीं है क्योंकि पुरुष का है। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक जल में विलय है। तो रासायनिक जल में इंसुलिन विलय है। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है। तो कौन सा बीमारी होता है, रिकेटर्स होता है। एस्कर्बिक विटामिन सी के कमी से होता है, चौदह नंबर प्रश्न है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है। तो दूध से मिलता है। 15 नंबर प्रश्न, प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यकृत में संचित किया जाता है, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 17 बोल रहा है, सामान्य सूत्र में विद्यमान ग्लूकोज की प्रतिशत कितना होता है। तो 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मशरूम से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। तो किस विटामिन के कारण, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, होना चाहिए विटामिन सी के कारण, इसमें दिया है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि यह सेठ से लिया गया है इसीलिए मशरूम का
खून निकलना विटामिन ए लिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर प्रश्न, दूध में होते हैं क्या क्या दूध में होते हैं? तो इसमें से सभी होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट होवे करता है, प्रोटीन होवे करता है, वसा होवे करता है, कैल्शियम होवे करता है, तो इसलिए उपयोग में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है या बहुलता किस क्या मिलता है? तो प्रोटीन, क्योंकि मशरूम के प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं, अधिकतम शाकाहारी जो होता है वो प्रोटीन कहाँ से लेते हैं? तो अधिकतम प्रोटीन दाल से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर प्रश्न, अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से किसकी छोटी सी मात्रा आवश्यकता होती है? तो किसकी? खनिज की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर प्रश्न, बेरियम मिल के लिए प्रयुक्त होता है, तो बेरियम मिल के लिए प्रयुक्त होता है पोषण नाली की एक्स किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 24 नंबर प्रश्न आज का लास्ट है, और एक क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिया जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर बताना है। तो 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतक की वृद्धि विकास और एवं सुधार के लिए महत्वपूर्ण होता है? तो कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकास के लिए, तो प्रोटीन, क्योंकि सबसे आवश्यक होता है और विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट प्रश्न है, इसका कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है। तो 25 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होता है? तो क्या होता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो इसका कमेंट बॉक्स में आपको सभी को बताना है। तो आज का क्लास कैसा लगा आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।